नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र आरटीआई थाना के बारगीडीह स्थित सुदीमा फाउंड्री और गजानन फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान होकर गांव के महिला और पुरुषों ने कंपनी से निकलने वाले डस्ट को लेकर कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों बैठक कर प्रदर्शन किया और कंपनी के द्वारा निकलने वाली कचरे का कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने या फिर कंपनी बंद करे जाने के लिए गाँव के लोगों अपने घर से बाहर निकले और खुली मैदान में नहीं बैठ सकते। स्कूल में बच्चों का आना दुर्लभ हो गया है, जिससे ग्रामीणों का कहना है कि कंपनी की राख से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आदित्यपुर के बारगीडी आसंगी और कृष्णापुर के ग्रामीण अब गांव लगे कंपनी के खिलाफ गोलबंद होने लगे हैं। कंपनी का गंदा दूषित उड़ता हुआ डस्ट गांव के शुद्ध वातावरण को प्रदूषित कर रहा। तालाब और कुएं का पानी भी दूषित हो रहा है, जिस पानी को पीकर उनके पशु बीमार हो रहे हैं। सोने भी नहीं सक रहे हैं, मैला हो रहा, कपड़ा झाड़ने से, कपड़ा ये करने से, झाड़ू मारने से, पोछा करने से काली निकल रहा है धूलन। दो तीन बार लगाते हैं, पोछा मारते हैं, दस काला जैसे। मैं रोहित प्रधान, जगह का नाम है बरगीडी, बगल में है आसंगी, इधर बगल में है कृष्णापुर। हमारे गांव में हम लोग काफ़ी सालों से यहाँ पे हैं और इतने दिनों से कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं था। अभी कुछ सालों पहले एक कंपनी स्टार्ट हुई है सुदीसा फाउंड्री, जिसका नाम है सुदीसा फाउंड्री प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये फैक्ट्री जो है एक साल तो बड़ी अच्छी चली है, बाकी कुछ दिन पहले ही, करीब 6 महीना पहले, इनका कोई एक मशीन में प्रॉब्लम आ गया है, जिनका इन्होंने रिपेयर नहीं करवाया है, जिसकी वजह से पूरा वायु प्रदूषण करके रखा हुआ है। अगल बगल जितना है पूरा डस्ट एकदम, ठीक है, पूरा चारों तरफ एकदम देखा जाए तो एकदम डस्ट से भरा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे स्कूल के बच्चे आना जाना मुश्किल हो गया है। स्कूल के बच्चे छोड़ दिए हैं स्कूल। गांव में काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जो गांव छोड़ के बाहर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि बगल में इतना प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, घर से निकलना मुश्किल हो गया है कि बच्चे मैदान में खेलने जा सकें। पूरा मैदान देखिएगा तो एकदम डस्ट से भरा हुआ है। प्रॉब्लम हम लोग कंपनी के मालिक से भी डिस्कस किए, लेटर भी हम लोग दिए हैं, हर तरह से बात करके देख लिए। पिछले 1.5 महीना में उनसे कोई रिप्लाई नहीं आया, तो अभी लास्ट ऑप्शन यही रहा है कि हम लोग सारे ग्रामवासी मिल के कि बात करें, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, हमारे जो पार्षद हैं, जो भी हैं, हम उनसे बात करें, ठीक है। आज शाम को उसका बैठक है, उसके बाद हम लोग एक निर्णय लेंगे जो करना है कंपनी के खिलाफ। फैक्ट्री है जो गजानन के नाम से है, ठीक है, उनका वाइट डस्ट उड़ता है, ठीक है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है जितना इस कंपनी का है, ठीक है। में देश और झारखंड के हालात को देखते हुए आज कपाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कपाली नगर परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष इंस्पेक्टर साहब, अंतर्गत दंडाधिकारी, थाना प्रभारी और कपाली क्षेत्र के सभी समुदाय से गण्यमान्य बुद्धिजीवी लोग उपस्थित थे। इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो स्थिति अभी हम लोग राज्य की है, देश की है, हमें संयम बरतने की आवश्यकता है और किसी भी व्यक्ति के धार्मिक भावना को जो पहुँचाना है, संविधान सब अपने अपने पंथ संप्रदाय धर्म को मानने का आजादी देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल दें, ये संविधान के खिलाफ है और जो भी ऐसा करता है उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वही सरायकेला दोनों अनुमंडल में 140 पर लागू किया गया है। ये समीक्षा करेंगे, कल हम लोग देखेंगे तो हम लोग उसमें ढील देंगे। अगर लग गया कि नहीं, अभी हम खुद लगे रहने चाहिए तो लग बढ़ भी सकते हैं।